So, hello everyone, Pushkar Raj Thakur this side, and आप पहुंच चुके हैं on the day 12. Well, ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जो आपने ऐसे ही क्लिक कर दी, ये एक खास वीडियो है. एक ट्रेनिंग सीरीज हमने आप सबके लिए लॉन्च करी है इस चैनल पे. 30 दिन की ट्रेनिंग सीरीज है और ये डे 12 है. मतलब पहले की 11 वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है इस चैनल पे. 30 दिन की सीरीज नेटवर्क मार्केटिंग की, वो सारी टेक्निक्स जो आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत कामयाबी के लिए वो सारी टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी जो मैं एक-एक करके आपको सिखा रहा हूं. वेल, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये सीरीज की इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे. सो प्रेस द बेल आइकन. इसके साथ साथ आप अपनी पूरी टीम को बता दो कि ऐसी सीरीज पुष्कर राज ठाकुर ने आप सबके लिए लॉन्च करी हुई है, जिसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग की वो सारी टेक्निक सीखने को मिल रही है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी. सो आप अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइंस को, अपने अपलाइंस को, अपने क्रॉस लाइंस को, सबको बताओ कि ये ट्रेनिंग सीरीज वो सब भी देखें और नेटवर्क मार्केटिंग में अपार सफलता हासिल करें. वेल, आज का हमारा ट्रेनिंग है एक खास टॉपिक पे. वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन एंड व्हाट टू से. देखिए, आपको अगर ये समझ आ गया कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि जब आपका प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन लेकर आता है, कोई सवाल पूछता है, तो आपको बोलना क्या है. मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप चाहते हैं जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें वो सामने वाला इमीडिएट यस बोल दे, इमीडिएट यस, यस आई वांट टू जॉइन दिस बिजनेस. कैसी फीलिंग होगी? वो मजा आ जाएगा ना. अगर आपने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी शुरू करी एंड लोगों ने इमीडिएट यस बोलना शुरू कर दिया, यस वी वांट टू डू दिस बिजनेस, मजा आ जाएगा. बट वो होगा कैसे? वो होगा तब जब आप सीखेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं. तो अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. नाउ मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, हाउ आर माइंड वर्क्स. हमारा ब्रेन काम कैसे करता है? हमारा ब्रेन काम करता है प्रोग्रामिंग पे. हमारा ब्रेन काम करता है प्रोग्रामिंग पे. अब ये प्रोग्रामिंग क्या है इसे समझते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपका जो ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं. ये इतना विशाल का होटल है. होटल्स के अंदर रूम्स होते हैं, आपने देखा है कि होटल्स के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं. तो इमेजिन कीजिए आपका जो ब्रेन है ये एक ऐसा होटल है जिसके अंदर इनफाइनाइट कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं, और हर कमरे के अंदर बहुत सारी मेमोरीज हैं. हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी छुपी होती है. तो वो मेमोरी कहां पर होती है? कमरों के अंदर होती है, रूम्स के अंदर होती है. अब जब भी कोई इंसान कोई शब्द बोलता है तो एक कमरा खुल जाता है. जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं इन कमरों की चाबी. जो शब्द होते हैं वो कमरों की चाबी होते हैं. तो अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं बोलूंगा एप्पल, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ गई होगी. एप्पल, सेब बोलते ही आपके दिमाग में एक लाल कलर का फल आ गया हो. लाल ही क्यों है, एप्पल तो ग्रीन भी होता है. Well, अब आपको ग्रीन कलर का एप्पल का भी इमेज आ गया होगा जब मैंने ग्रीन एप्पल बोला. अगर मैं बोलता हूं ब्लैक एप्पल, इमेजिन करो ब्लैक एप्पल, ब्लैक एप्पल भी आपके दिमाग में इमेज आ गई. आपका दिमाग इमेजेस पे वर्क करता है और ये इमेजेस आपकी आती है मेमोरीज से. अब ये मेमोरीज आपके दिमाग में सेव्ड है. अलग अलग कमरे के अंदर अलग अलग मेमोरीज हैं. जैसे अलग अलग शब्द बोलोगे, अलग अलग आपको दरवाजे खुल जाएंगे. हर शब्द एक चाबी है. एप्पल बोलते ही वो कमरा खुल गया जिसके अंदर वो इमेज थी एप्पल वाली. ग्रीन एप्पल बोलते ही एक कमरा खुल गया जिसके अंदर ग्रीन एप्पल की इमेज थी. ब्लैक एप्पल बोलते ही वो कमरा खुल गया जिसमें ब्लैक एप्पल की इमेज थी. अच्छा, मैं बोलूं, आप इमेजिन करो कि सेब अब कटा हुआ है, सेब कट गया, तो आपके दिमाग में इमेज आ रही होगी कि सेब कटा हुआ कैसे लगता है. उसके अंदर बीज दिख रहे हैं आपको, आपको दिख रहे हैं क्योंकि सारी इमेजेस आपके दिमाग में फीडेड है. जैसे मैं बोलता हूं ऑरेंज, तो आपको एक नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का एक फ्रूट दिख गया, कलर भी होता ऑरेंज, तो आपके दिमाग में एक इमेज सेव थी, मेमोरी थी. अच्छा, मैं बोलता हूं कैट, बिल्ली, आपके दिमाग में बिल्ली की इमेज आ गई. अब इसी तरीके से मैं बोलता हूं कार, आप इमेजिन करो एक कार, कौन सी कार की इमेज आई? उसी कार की इमेज आई होगी जिस कार को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके पास होगी, या आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो मेमोरी सेव हो गई होगी दिमाग में. वही आपको कार की इमेज आएगी.
कौन सी कंपनी की थी, कौन सा मॉडल था, कौन सा कलर था, वो सब आप देख लो कि आपकी मेमोरी में था, डेफिनेटली था। मैं बोलता हूं बाइक, तो कौन सी बाइक दिमाग में आई, आपके पास जो बाइक है वो आई, या पड़ोसी की आई, या आपने जो आज देखी वो आई, जो मेमोरी होगी वही आएगी आपके दिमाग में एकदम से। हो सकता कावासाकी निंजा ना आई हो क्योंकि आपने वो बाइक अभी नहीं देखी, अगर देखी होगी वो दिमाग में चल रही होगी तो वो आई होगी। तो जो देखते हैं, जो हम मेमोरी में फीड हो जाता है, वही कमरा खुलेगा, और कमरा खुलेगा शब्दों से जब मैं वो शब्द बोल रहा हूं। सिमिलरली मैं एक शब्द बोलता हूं, ये यहां पे एक शब्द लिखा है, इसे आप पढ़िए, यहां पे लिखा है बुपट्रॉ, BPUTRAW। कोई इमेज आ रही है? कोई भी इमेज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही कोई इमेज? क्योंकि ये शब्द आपने पहली बार सुना। अब मैं बोलता हूं इस शब्द को, आप ध्यान से देखिए, BPUTRAW, बुपट्रॉ, ये शब्द आप ध्यान से देखिए। वेल, अभी कोई इमेज नहीं आ रही, बट अगली बार आपको कोई भी इंसान बुपट्रो बोलेगा तो आपको मेरी ये ट्रेनिंग याद आ जाएगी, ये सेटअप याद आ जाएगा, ये बोर्ड याद आ जाएगा, और आपको ये भी पता होगा कि ये बुपट्रो यहां पर लिखा था राइट हैंड साइड में, सेंटर ऑफ द बोर्ड पे, आपके राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ था, आपको दिख जाएगा दिमाग में, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो एक फोटो खींच रही है, 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 और वो फोटो खींच रही है, वो माइंड में फीड हो रहा है, फोटो खींच रही है, कमरे के अंदर एक इमेज को घुसाया, दरवाजा अनलॉक, और लॉक हो गया उस चाबी से, उस की से। सो ये जो शब्द होते हैं ये की होती है। अब ये मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्ट्रास्ट में क्यों समझा रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो और सामने वाला बोलता है क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये MLM है, तो कहीं ना कहीं आपने वो शब्द यूज करे होंगे जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो मेमोरी, वो इमेज, वो खुल गई हो जो शायद खुलनी नहीं चाहिए थी। बट क्योंकि आपने ऐसे शब्द यूज करे, आपको राइट वर्ड्स नहीं पता थे और आपने रॉन्ग वर्ड्स को यूज किया, तो माइंड जो है, जो ब्रेन आपका है, वो ऐसी इमेजेस खोल देगा और सामने वाला बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है, और उसके दिमाग में कोई ना कोई मेमोरी इस चीज से रिलेटेड जरूर होगी। जब कोई बोलता है, कोई भी नेगेटिव आपको ऑब्जेक्शन ले आता है, तो वहां पे उसके दिमाग में वो नेगेटिविटी होती है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक इंसान को एक प्रेजेंटेशन में बिठाते हो, अपनी कंपनी की 3 घंटे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में एक इंसान को बिठा देते हो, वो वहां पे बैठ जाता है, और बैठने के बाद आपके सीनियर लीडर वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक, वो पता नहीं कितना कुछ बोल जाते हैं, कितने सारे शब्द बोल जाते हैं, लाखों शब्द बोल दिए। अभी इस प्रेजेंटेशन को देते देते मैंने हजारों शब्द बोल चुका हूं मैं, तो अलग अलग इमेजेस आपके दिमाग में आ रही हैं। अभी सीनियर लीडर बोलते हुए आपके दिमाग में इमेज आ गई सीनियर लीडर की, आपको सब समझ आ रहा है, बट इसी तरीके से आपको भी तो समझना है। देखो, मेरे पास तो मास्टरी है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, मेरे पास मास्टरी है सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर, मेरे पास मास्टरी है, एंड ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे समझ आता है, मैं सामने वाले का दिमाग आराम से पढ़ सकता हूं, आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है मुझे पता है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी मैं सिखा दूं कि आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट का दिमाग कैसे पढ़ पाओ, क्योंकि मुझे आता है तो मैं आपको सिखा सकता हूं, जैसे आता है वही तो सिखाएगा। सो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ना कैसे है, और आपको जो उससे आउटकम चाहिए वो कैसे मिलेगी, वो इमीडिएट यस कैसे बोले सीखते हैं। 3 घंटे के प्रेजेंटेशन में आपके सीनियर लीडर ने लाखों शब्द बोल डाले, लाखों दरवाजे खोल डाले। अब उसमें कुछ दरवाजे तो पॉजिटिव होंगे, जब उन्होंने बोला इतने बड़े चेक, इतनी बड़ी इनकम, इससे ये होगा, यहां पे मैं घूमने गया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे इतना फेम मिलता है, उन्होंने जो जो बताया, मैं गाड़ी चलाता हूं, वो सारा पॉजिटिव था। और बहुत सारे शब्दों से नेगेटिव डोर भी खुले होंगे, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डोर खुले हैं, और खुलने के बाद वो बंद भी हो गए। खुलता गया, बंद होता गया, खुलता गया, बंद होता गया। एक टाइम पे एक डोर खुला हुआ है, एक टाइम पे एक डोर खुला हुआ है, एक टाइम पे एक डोर खुला हुआ है। अब उसके दिमाग में एक रैम होती है ना कंप्यूटर में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपने रैम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ह्यूमंस में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है जो आपके कॉन्शियस ब्रेन में भी है, मतलब दिमाग में वो बातें घूम रही है, चल रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, और जो सबकॉन्शियस में है वो रोम होता है, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होती है ना,
बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, मेरे को बहुत कुछ है सिखाने के लिए। तो ह्यूमंस के ब्रेन में भी रैम होता है, उसके रैम में वो सारी चीज़ें हैं अभी, बट अभी ऑन द स्क्रीन नहीं है। देखो होता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन अभी चल रही होंगी, तो रैम यूज़ कर रही है वो फ़ोन का, बट अभी स्क्रीन पे ज़रूरी नहीं है आपके फ़ोन पे मेरी वीडियो ही चल रही है, नॉट नेसेसरी। वीडियो के अलावा पीछे फेसबुक भी चल रहा होगा, इंस्टाग्राम भी चल रहा होगा, आप ऐप्स देख पाते ना कितनी सारी एप्लीकेशंस खुली हैं, तो वो सब खुली हुई हैं, वो कहाँ पे खुली है, रैम पे खुली है, बट अभी स्क्रीन पर तो सिर्फ मेरी वीडियो दिख रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल ह्यूमंस के साथ भी ऐसा होता है कि स्क्रीन पर एक इमेज है, बट अभी बैक ऑफ द माइंड में रैम के अंदर बहुत सारी और इमेजेस है, और रोम में तो सारे दरवाजे रोम के अंदर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल चुके हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और अभी इमीडिएट स्क्रीन पर वो आएगा जो आप चाहोगे। यस, अभी इमीडिएट स्क्रीन पर सामने वाला वो सोचेगा जो आप चाहोगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसके दिमाग में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। आप चाहते हो पॉजिटिव सोचे, आप चाहते हो वो सेमिनार के बाद पॉजिटिविटी से डिसीजन ले नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का, पर वो लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप गलत डोर खोल देते हो, आपके शब्द गलत है, आपके शब्द गलत है। चलो मैं बताता हूं आपके गलत शब्द के। आप सेंटेंस बोलते हो, एग्जैक्ट सेंटेंस बोलते हो, तो कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन? वाओ, आपने पूरे कॉन्फिडेंस में बोला, कुछ गलत नहीं बोला। वो कहता है ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, फोन पे बात करता है, अरे हाँ घर से फोन आ रहा है, एक मिनट में आया, मैं निकल गया, उसे भूख लग रही थी, वो निकल गया, निकल गया। ऐसा होता है आपके साथ 3 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद? होता होगा। आप बोलते हो अच्छा कैसे लगे आपको हमारे प्रोडक्ट्स, आपने कुछ गलत नहीं बोला? नो, आपने गलत बोलना है, क्योंकि जब बोलते हो प्रोडक्ट कैसे लगे, हाँ अच्छे लगे, यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, वेरी नाइस, मैं कुछ यूज भी करना चाहूँगा, तो आप आगे जब बातें करते हो कहते हैं ठीक है मैं डिस्कस करता हूँ घर पे, फिर मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते, क्योंकि आपके जो शब्द हैं उसमें कुछ गलती है, वो गलती मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा आपने बोला कैसा लगा आपको हमारा प्लान, जबरदस्त। आप सामने वाला कहता है कि हाँ प्लान अच्छा है, ठीक है, या ये कमी है यार, ये ना नेटवर्क मार्केटिंग वाला मेरे से नहीं होगी, वो उस तरीके से बोल देता है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप कुछ गलत शब्द बोल रहे हो, आपको नहीं पता आप गलत क्या बोल रहे हो। चलो सही करते हैं। अच्छा, आपको इस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? वेल, दिस इज अ बेटर स्टेटमेंट। आपने पहले बोला आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और दूसरा आपको हमारे प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको दिल्ली कैसी लगी और आपको दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा, फर्क है। आप ध्यान से समझना, फर्क बता रहा हूं आपको। कैसा लगा? ओवरऑल परसेप्शन। सबसे अच्छा क्या लगा? तो सबसे अच्छी चीज के बारे में बात होगी, और जब अच्छी चीज के बारे में बात होती है तो स्क्रीन पर वो आ जाएगा जो आप चाहते हो, कि अच्छाई के बारे में वो बोले कि उसे कंपनी में अच्छा क्या लगा। गलत नहीं, नेगेटिव नहीं। सो जस्ट चेंज योर सेंटेंस। आप ये बोलने की जगह कि आपको हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे, आप सिर्फ ये चेंज करके देखना कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। वंडरफुल। पहले तो कभी किसी ने ऐसे सिखाया नहीं सर, इतने डीप में जाके तो किसी ने बात ही नहीं करी, कोई कैसे करेगा, किसी को ये सब नहीं आता, किसी ने इतना दिमाग नहीं लगाया इन सब के ऊपर, इन ट्रेनिंग्स को डिजाइन करने में, क्योंकि मेरा काम ये है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ भाषण नहीं देता, मोटिवेशन नहीं देता, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों की किताबें भी देखी हैं, सिर्फ मोटिवेशन से भरी होती। मुझे चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स दो मुझे, कुछ टेक्निक्स बताओ मुझे, वो नहीं बताते। तो ये बोलने की जगह कि आपको हमारा मार्केटिंग प्लान कैसे लगा, अब ये ट्राई करो ना, आपको हमारे मार्केटिंग प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको हमारी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको उन लीडर की, फलाने लीडर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। सबसे अच्छे पे फोकस करो, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट पे फोकस करो। जो हमारी विजन है, जो हमारा फोकस है, जो फोकस होता है ना एक इंसान का, वो कैमरे की तरह होता है। एक पार्टी में वो गया, वो कैमरे को लेके जाता है, वो देख रहा है लड़कियां डांस कर रही हैं। अभी उसने नहीं देखा कि पीछे जो वेटर है वो पनीर टिक्का सर्व करने जा रहा है, उसने देखा नहीं, वो फोकस यहाँ पर है। जैसे कैमरे का फोकस यहाँ पर मेरी तरफ है,
उसका फोकस पीछे की तरफ नहीं है, इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ नहीं है, यहां पे वो पूरा गार्डन नहीं दिखा रहा मेरा, यहां पे वो सिर्फ मुझे दिखा रहा है कैमरा, क्योंकि फोकस। सिमिलरली आपका फोकस, आपका फोकस कहां पर है और सामने वाले का फोकस आपको कहां लेकर जाना है, सामने वाले के फोकस को आप ड्रैग कर सकते हो अपने शब्दों से। वेल, यहां पे मैंने आपको एक चीज सिखाई है, यहां पे मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया। आगे की ट्रेनिंग लेना चाहोगे? आई नो आप आगे की ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। इसके अलावा सर और भी सिखाओ ना, हमें और मैजिकल वर्ड सिखाओ कि हम क्या बोलें जिससे हमें इमीडिएट यस आए। डू यू रियली वांट टू लर्न? क्या आप सच में सीखना चाहते हो? वेल, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको ये सब सिखा पाए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नो बडी विल टीच यू दिस, बिकॉज मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप मालूम मैंने PhD कर रखी है, क्योंकि जितनी नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस मैंने इस एक इंडस्ट्री में जितना टाइम दिया, मैंने ऐसे करोड़ों रुपए कमाए और लाखों लोगों को ट्रेन कर दिया है। आज ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर मैं मिलियनेयर प्रोड्यूस कर चुका हूं, ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर मिलियनेयर प्रोड्यूस कर चुके हैं हम अपनी ट्रेनिंग्स के। अब बारी है आपकी। सो अब आपको अगर आगे के मैजिकल वर्ड सीखने की, एग्जैक्टली क्या बोलना होता है कि लोग तुरंत ज्वाइन करें, सो आप मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग का वर्जन 2 हमने लॉन्च कर दिया है। 100 दिन तक मैं आपको खुद ट्रेन करूंगा, और यहां पे तो आपको लगा एक दिन में अगर इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो 100 दिन में तो आपका माइंड फ्लिप हो जाएगा कि यार ये पहले क्यों नहीं मिला। आप डेफिनेटली इस ट्रेनिंग को अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए करना क्या होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको एक ऐप का लिंक दिखेगा, ऐप को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करते ही वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो स्क्रीन पर आपको एक कूपन कोड आ रहा है, इसका नाम है Ninja80, इसे आप वहां पे लगा देना प्रोमो कोड को, तो आपको 80% ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स पे, बट वो सिर्फ 300 लोगों के लिए है और कभी भी खत्म हो सकता है। सो आप जाओ, ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाके इस कूपन कोड को यूज करो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका अभी कूपन कोड अगर वर्क कर रहा है तो तुरंत ले लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये कोर्स अभी डिस्काउंट पे, फटाफट इसे ग्रैब करो, और भी वहां पे आपको मेरे कोर्सेज दिखेंगे। आपको जो लगता है आपको सीखने की जरूरत है वो लो। आई विल रिकमेंड कि 100 दिन की ट्रेनिंग एक बार में लो और नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रच दो। वेल, दिस इज अ टाइम कि आप हिस्ट्री को दोबारा लिख सकते हो, यू कैन री राइट द हिस्ट्री, एंड अब आपका टाइम है। वो बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, आ गया भाई तुम्हारा टाइम, आ गए आपको वो ट्रेनर सिखाने के लिए जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। एंड दिस इज द बेस्ट कोर्स इन द एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ना पहले आया है ना ऐसा ट्रेनिंग कोर्स कभी आएगा। सो यू ज्वाइन द ट्रेनिंग कोर्स राइट नाउ, जो आपकी स्क्रीन पर रेफर कोड दिख रहा है, इसे यूज करो एंड गेट द कोर्स राइट नाउ। कोई अगर सवाल है आपका इस कोर्स से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यू लाइक द वे आई वॉज ट्रेनिंग यू कि आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए पूरी टीम के साथ। कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो एंड डाउनलोड दिस ऐप, गेट दिस कोर्स एंड गो सेल्फ मेड।